बांसजोर पुलिस दुष्कर्म कर एगो आरोपी के गिरफ्तार करके जेल भेजलक। जानकारी कर मुताबिक बांसजोर ओपी क्षेत्र का केंदू टोली निवासी विनोद महतो दुई को जनाना मन संग बिहा करे कर बात कह के यौन शोषण करत रहे, जेकर से एगो महिला गर्भवती हो गेलक और महिला को शादी लगी दबाव बनाए लागलक, मुदा विनोद महतो शादी करे से इनकार कर दिलक और उके मारे पीटक भी लागलक। यही बीच पता चले लग की शादी का झांसा दे के विनोद महतो पतरा पाली निवासी एगो और महिला का संगे यौन शोषण करत रहे और उकर संगे एगो बेटी छुआ है। इके जानते दुयो महिला मन बांसजोर ओपी में लिखित शिकायत दर्ज करवा लें, जेकर आधार पर बांसजोर ओपी कर जलडेगा थाना में धारा 376 506 के तहत मामला दर्ज करते विनोद महतो के गिरफ्तार करके जेल भेजल गेलक। SP डॉक्टर शाम सब्रेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतालें कि विनोद महतो भूकू मुंडा निवासी एगो महिला के संगे शादी कर झांसा दे के यौन शोषण करत रहे, संगे संग पतरा पाली निवासी एगो और महिला से भी शादी करे कर बात कह के उका से भी यौन शोषण करत रहे, जेके देखते दुयो महिला मन विनोद महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाए रहे, जेकर बाद आरोपी विनोद के गिरफ्तार करके जेल भेजल गेलक। झारखंड सरकार अनलॉक पर लेलक बड़ा फैसला है। 1 जुलाई से राइज कर सब दुकान रात 8 बजे तक खुला रही। इका संगे संग सब सरकारी और निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के संगे खुला रही। शनिचर कर रात 8 बजे से लेके सोमवार बिहान 6 बजे तक सब दुकान बंद रही। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दुकान और दूध दही का दुकान खुला रही। सिनेमा हॉल बार मल्टीप्लेक्स रेस्टोरेंट मन 50% क्षमता के संगे खुलल रही। स्टेडियम जिम और पार्क खुला रही। सब स्कूल कॉलेज और प्रतिष्ठान मन बंद रह भाई। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रही। लाभुक मन के खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाल जाई। 50 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा होए पे प्रतिबंध रही। बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवन खुला रही, परंतु 50% आदमी एकत्रित रह सके ना। धार्मिक स्थल श्रद्धालु मन लगिन बंद रही। जुलूस पर रोक जारी रही। राइज कर अंदर बस परिवहन कर अनुमति देल जाहे। अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रही। पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री बैठा सके ना। भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करवाल जाई। राइज सरकार द्वारा करवाए वाला परीक्षा स्थगित रही। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रही। निजी वाहन से राइज कर भीतर एक जिला से दूसर जिला जाए लागिन ई पास आवश्यक नहीं रही।